ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को उसकी नीड नहीं है, वरना आप वीडियो को पूरा देखते और अपने डाउट्स कमेंट करते हैं। आपके डाउट से ही मैं समझ पाती हूँ कि मुझे किस टाइप के कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम यशस्वी एंट्रेंस एग्जाम 2022। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट इज अ स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें आपको टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप देगी YETK थ्रू। सो पीएम यशस्वी एंट्रेंस एग्जाम क्या है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, आई थिंक मैं पहली बार इस स्कीम के बारे में जान पाई हूँ। इससे पहले मैंने इसके या इस स्कीम के बारे में नहीं सुना था। हाँ, लेकिन इसके सिमिलर और भी स्कॉलरशिप्स होता है, जैसे बेगम हजरत महल, जिसके लिए माइनॉरिटी गर्ल्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। तो NMMS का एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है इसका भी एग्जाम होता है मैट और सैट के नाम से, तो वो भी आप दे सकते हैं अगर आप 8th पास है। सबसे पहले पीएम यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सो इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराएगी। NTA का रोल है सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट कराना और मेरिट लिस्ट जनरेट करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे जो ये टेस्ट है बायलिंगुअल में होगा, या तो आप इंग्लिश या हिंदी, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में टेस्ट को दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, एक ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। सो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन मोड यानी कि CVT बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अगर अभी आप क्लास 9th में गए हैं या फिर क्लास 11th में गए हैं, तो उस केस में यहाँ पे आप यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। सो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 20 क्वेश्चंस, सोशल साइंस से 25 एंड GK GS से 25 क्वेश्चंस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स का पूछा जाएगा यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट में। और अगर हम सिलेबस की बात करें, तो अगर आप 9th में गए हैं तो NCERT क्लास 8th का सिलेबस ही यहाँ पे पूछा जाएगा, और अगर आप 11th में गए हैं तो 10th का NCERT आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा और कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो अभी अभी आप पास आउट हुए हैं क्लास 8th या फिर क्लास 10th, तो आपने पढ़ाई है सारी चीज़ें, बस आपको रिवाइज करना है। और यहाँ पे कोई आपको कॉस्ट नहीं लगने वाला, कोई अमाउंट आपको नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। कम्प्लीट क्राइटेरिया समझने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। सो इंडियन नेशनल, जो लोग OBC, EBC, DNT से बिलोंग करते हैं एंड क्लास 11th या क्लास 9th में टॉप क्लास स्कूल से स्टडी कर रहे हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और यहाँ पे एज लिमिट भी है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये आप देख सकते हैं, इन डेट्स के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो। तो क्लास 11th एंड क्लास 9th दोनों के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसी में डेट टाइम वेन्यू सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। जो आपका सेंटर होगा एग्जामिनेशन का, वो ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, होम स्टेट आपको मिल जाएगा जिस भी स्टेट में आप हो। सो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको अप्लाई करना होगा और एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर होना है। एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट आएगी स्टेट वाइज, तो जिस भी स्टेट में आप हो उसका डोमिसाइल लगेगा एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको स्कॉलरशिप देगी अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। सो अप्लाई करने के लिए सिग्नेचर, फोटोग्राफ, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो PWD सर्टिफिकेट, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट एंड साइज यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 अगस्त 2022 और 27 से 31 अगस्त तक करेक्शन डेट है। एग्जाम जो होगा वो 11 सितंबर को होगा। सो जब आपका एग्जाम होगा 1:30 PM से पहले ही आपको एंट्री ले लेना है जहाँ भी आपका सेंटर गया है, क्योंकि 2 से 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। सो अगर आपको इस पीएम यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।